दोस्तों जो Realme है ना वो अपने फ़ोन्स के डिज़ाइन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। अभी हमने रिसेंटली देखा Realme GT सीरीज़ जिसमें काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन था, खास करके Realme GT मास्टर एडिशन में। अब दोस्तों Realme का एक और फ़ोन आ रहा है दोस्तों, और इसमें भी डिज़ाइन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे कई कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कई डिज़ाइन ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, वो भी एक ही फ़ोन में। तो आज हम बात करेंगे Realme GT Neo 2 के बारे में, जिसके ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, इसका लॉन्च डेट बाहर आ चुका है और साथ ही साथ इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस भी बाहर आ चुकी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं। आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले डिजाइन देख लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं तीन डिज़ाइन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एक तो ब्लैक मिंट है दोस्तों, एक नॉर्मल सा अट्रैक्टिव ग्रेडिएंट फिनिश आपको देखने को मिल जा रहा है, और एक स्पेशल एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। वेल, आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो पीछे आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जा रहा है, और फ़ोन दोस्तों आपको फुल HD+ डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा, जहाँ पे 6.82 इंच का एक पैनल लगा हुआ है, जिसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है और सिंगल पंच होल देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसको लेके बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर यूज किया गया है, जिसके एंटीटू स्कोर की बात करें तो लगभग 6,50,000 के ऊपर जाता है दोस्तों। कोई भी हेवी से हेवी गेम खेलो या फिर किसी तरह का भी टास्क परफॉर्म करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कैमरास के ऊपर बात की जाए तो कैमरास यहाँ पे मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो यहाँ पे कैमरा से अगर आप देखोगे तो इस तरह का कैमरा सेटअप हर 15-20 हज़ार के फ़ोन में देखने को मिल जाता है, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी होने वाली है, और साथ में आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा फ़ोन में एंड्रॉयड 11 और रियलमी UI 2.0 होने वाला है। बाकी दोस्तों फ़ोन 22 सितंबर को चाइना में लॉन्च होगा, और ऐसा बोला जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और अगर प्राइसिंग को लेके बात करूँ दोस्तों, तो ये 25,000 के आसपास की प्राइसिंग में आपको देखने को मिलने वाला है। वेल, मुझे इसका डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा लगा, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इसका जो कैमरा है ना उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतने था, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इन्जॉय करें। Got the sounds.